जब मर जा राम मेरा आगले जन्म में भी काम यो है राखिए। जब मर जा राम मेरा आगले जन्म में भी काम यो है राखिए। या है मां मिल जावा दोबारा, या है मां मिल जावा दोबारा, और मेरे बापू का भी नाम यो है राखिए। जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए, गाम यो है राखिए। वो ये है दोबारा यार दे दिए गमाले बड़का के पक्के डब्बे हो अगर सबके जमा पक्के और सारे नो सोचा अगर अगले जन्म में भी ये मिल जाए। एक भी आप प्रोग्राम में देखोगे जो पक्के डब्बे आपस में काका मार दिए खड़े देखो खड़ी दो चार ये पक्के डब्बे हैं। प्यारी लागे से मन याहे दुबार नार दे दिए। किस किस ने लागे लुगाई अच्छी खुद की अपनी अपनी लुगाई किस किस ने अच्छी लागा ठाकुर बताओ। काम का मोल है मेरे ख्याल से मुश्किल होंगे फिर भी एक आधा लाऊ मेरी जाना भी होगा ना एक आधा के दीप पे है खुद लो मेरी जाना कैसा हाल हो अगर इनका ये प्यार तो पहला तो नुका अगर तेरे बिना मैं नहीं मेरे बिना तू नहीं और प्यार ना जब साले को जाना फिर लोगों दे पागल जाए तो आज तू नहीं चल मैं नहीं। वो ये दोबारा यार दे दिए हाँ चाहता नहीं तो चार दे दिए जीत प्यारी लग गया सब ने या है दोबारा नार दे दिए। या है दादी मिल जावे मन या है दादी मिल जावे मन और मेरा दादा जोगी राम यो है राखिए। जय मर जा राम मेरा अगले जन्म में भी गाम यो है राखिए, गाम यो है राखिए। दौलत का नहीं समंदर चाहिए ना कोट जेब के अंदर चाहिए। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग है काके ताऊ है इन अपने गांव की मिट्टी भी इतना प्यार है बेशक विदेश में छोड़ा हो जब तक इन ताशा नहीं दिखेंगे जब तक इन जोड़ नहीं दिखेंगे जब तक बहस नहीं दिखेंगे इनका जी नहीं लगेगा। कितनी धन दौलत दे दो फिर भी ये लोग रगी तो होता प्या लिया रगी तो ताश खिला ले बेटा कितने ले जाओ जाओ। इनका गांव का कल्चर हमेशा याद रहता है कि दौलत का नहीं समंदर चाहिए ना नोट जेब के अंदर चाहिए। इनकी वजह से हमारे संस्कार और मैं कहना चाहता हूँ कि बेशक चीन और जापान कार बनाता है बेशक चीन और जापान कार बनाता है लेकिन मेरा भारत मेरा हरियाणा संस्कार बनाता है। इन संस्कारों के लिए एक बार तालियां। जब तक ये बूढ़े हैं इतने कल्चर है नहीं तो इन बड़कन दोबेरा है इंस्टाग्राम की नीलम के चल रहे इंस्टाग्राम ने कल्चर हमारा खत्म कर रखा जमा जमा के बड़े बड़े मर जाएंगे सूरज छिप जाएगा बड़े बड़े मर जाएंगे। भाई कैमरा थोड़ा ताऊ और दूर कर ले मन नहीं सुन पा रहे कैमरा कहीं देख लो जाके कर ले थोड़ा थोड़ा कैमरा तो ज्यादा लागे है कैमरा सुहाग आ रहा देख के बड़े बड़े मर जाएंगे सूरज छिप जावेगा फिर देखियो हरियाणे पे के जावेगा। इन बुजुर्गों के साथ क्या क्या चला जाएगा यहाँ से के घर घर में जब तीज मने ना रोए जागा सामने रे घर घर में जब तीज मने ना रोए जागा सामने रे पक्का में जब झूल गल है ना रोए जागी जमन रे और खुटी ऊपर रोएंगे ये धोती कुर्ता दमन रे मंदिर आके ठेके खुलो लूंगा मां मैं मैंने कुछ ना पाऊंगा और देखियो हरियाणे पे के जावेगा। अपने हाथा बेटे पाले मां का चूल्हा माटी का माटी के चूल्हे होया करते चार भाई इकट्ठे बैठ कर रोटी खा करते स्वाद आ करता सुख दुख की बटा लिया करते के अपने हाथा बेटे पाले मां का चूल्हा माटी का बड्डे की ना चौधर चला जोर चलाएगा लाठी का और नहीं शुक्रिया अदा करेगा जख्म कदे भी पाटी का घोर तेरा छा जाएगा जब तेल सूख जा बाटी का साथी अपने साथी का खुद कत्ल करा लगा फिर देखियो हरियाणे तक के जाओ। इन बुजुर्गों के लिए ताड़ियां चाहूंगा दोबारा और मैं बता दूं इन तो हरियाणा गणा स्वार्थी होने लग रहा है किसा मारा हरियाणा हो रहा है कि जित हर बैठक में चिलम का धुआं उठे जाओ ऐसे जित बिना खोट भी घेर का मानस फूटे जाओ ऐसे जित काचे काटे बिना किसे ने सरदानी और जित का मानस किसे सा
रेनुका के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, मतलब मैं जानता तो काफी टाइम से हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं पूछ लिया, क्यों पीवे? क्यों बोला भाई ना पीऊं तो
मच्छर लड़ा पीनो तो लुगाई लड़ा बोला दोनों पास मर रहा हूं वो पेप्सी वाली बोतल में जित लासी आवे से बस की छत पे बैठ के बीड़ी चसी जावे से पांव डॉक्टर ते भी एंडी सलाह देनी है गम में भाई राम की भूत मार ले जे तने खासी आवे से रे अंधे फोट काटते हम ने कौन हम थोड़े दिन तो गुजारो
तेरे सो में तक खानवा नी नानवा भी आए
बनाए रखियो। आने वाले टाइम में जब आप आपके काम में तुम बिजी हो जाओगे, किसी शहर में निकल जाओगे, तो ये यार दोस्त याद आएंगे सारे। और किस तरह आओगे, खड़े गए बचपन के मित्र, पट्टे कपड़े थोड़ी रिवर्म दे दो भाई, पाँच दस रुपया भी दे दो थोड़े से। हेलो हेलो हेलो, बस एक लास्ट। खड़े गए बचपन के मित्र, पट्टे कपड़े टूटे लीतर, पैसा गे लिया गए जोड़ पे, काटी निकल बढ़ गए भीतर, माचिस के ताज बनाया करते, नदी पे खेलन जाया करते, करते लुकमा बेच कदाने, खाके खुर में खील मखाने, वो मिश्री ते भी मीठे थे, मिश्री ते भी मीठे थे, खिलाते फीके हो गए वो यार पुराने रे, मेरा ना कित खो गए, मेरा ना कित खो गए। पकड़ लिए फिर स्कूल के रस्ते, स्कूल में कौन कौन गया एक बार बताओ मुझे, स्कूल में हाँ सारा गांव बढ़िया लिखा मेरे तो। वो पकड़ लिए फिर स्कूल के रस्ते, हाथ में तख्ती कंध है बस्ते, गर्मी गई फिर आ गया पाड़ा, एक दिन नहा लिए एक दिन टाड़ा, पेंट और बुरसट मिल गई ताजी, एक दो दिन गए राजी राजी, हाथ जोड़ फिर रोन लगे, आजाद घर पर रहन जो माजी, आँखा में आंसू आए ना, हम थूक लगा कर रोजे वो यार पुराने, मेरा न कित खो गए, मेरा न कित खो गए। कॉलेज में हो गया एडमिशन, बाहर जान की थी परमिशन, रोडवेज में जाया करते, नकली पास दिखाया करते, बीस रुपुल्ली करके कट्ठी ले लिया करते, चाउर मट्ठी स्प्लेंडर पे मारे गेड़े उलझाली थी सुल गए बैठी, वो मास्टर पाठ पढ़ाया करता, मास्टर पाठ पढ़ाया करता, आंख मीच कर सो गए वो यार पुराने रे, मेरा न कित खो गए, मेरा न कित खो गए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक इनको है ना सिर्फ शर्ट में नहीं देखा सर, ये सच है, शर्ट में नहीं देखा मैंने आपको, आप हमेशा सुबह शाम घर में भी सूट पहन के रहते हैं भाई साहब, शर्ट वाली से जेके दे मुंह ना कभी उन्होंने ना देखा मैंने। सबसे पहले राम राम जी, अंगा लगा के हरियाणा है, राम राम जी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे ग्रुप का, इतना अच्छा कार्यक्रम आपके बीच करवाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वेल आई एम सॉरी, मैं चाहती हूँ दिलीप सर, आपका एक बहुत ही फेमस गाना है जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, हाय रे मेरी मोटो, अगर वो गा देंगे तो मजा आ जाएगा। वैसे भी जी आप प्रमोशन दे दी, आप मोटे भी हो, तेरा बेकरे फरंट तू मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो, क्या बात है, हाय रे मेरी फोटो। भाई भाई ये अमित गुल भाई ने एक बहुत प्यारा गाना गाया, वो मेरा भी फेवरेट है, कि काली काली गाड़ी ले रहा, जींद काली के दीपर दे रहा, क्या बात है, फ्रंट सीट वो स्लीपर ले रहा, कती चला थारी माँ, वो तो भाई ने छोरी की तरफ पे गा रखा है, अरे जो उसने छोरा गा होगा अमित भाई, मैंने क्यों सुना था, बड़े ध्यान से सुनियो, के काली काली गाड़ी ले रहा, जींद काली के डिपर दे रहा, फ्रंट सीट पे खेले ले रहा, मेरा साला थारी माँ। तो भाई छोरे नुगा करे, और मेरे भाई ने बहुत प्यारा गाना गाया, उनका भी धन्यवाद। और आज इस अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी जान मेरा जिगर मेरा बड़ा भाई केयर कर किया, क्योंकि इसने बहुत सपोर्ट करा है, और यो अवार्ड मेरे फादर साहब ने एक छोटी सी खुशी दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे, क्योंकि उनके जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ तो काफी फिल्मों में भी साइन हो रखे थे, तो बस ये कि उनकी बराबरी में नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज अलग है, बस उन अवार्ड
छोटी सी खुशी दे सके है और आप सबके प्यार से अवार्ड मेरे को मिला, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाथ जोड़ के बहुत थैंक यू सो मच आचार्य दिलेर जी। भाजी एक बात और बता दो बस, वो मेरी बात अब भी रह गई अधूरी, मैं बच्चन साहब से कई बार मिला हूँ, वो भी सूट मूट में रहते हैं, मैंने उनसे भी पूछी थी ये बात, आप सोते सूट मूट में हो? नहीं भाई साहब, मैं तो कच्चा बनिया ने मुझे सुना बस वे कि पब्लिक प्यार देती है, पसंद करती है, इसलिए पहनते हो, कोई दिक्कत नहीं।